जे चंगा कोई काम किता होएगा वह दुनिया ते नहीं रहना, इत्थे तां तेरी उस्तत उस काम की महिमा जरूर गाई जाएगी, बंदे ने बड़ा वधिया काम किया है, पर वह तेरी दरगाह दे विच भी तेरी ढोई मिल जाएगी, उत्थे भी तेरा सहाई होगा वह कर्म। इस करके बाबा फरीद साहब जी कहिंदे, फरीदा अमल जे किते दुनी विच, जे दुनिया विच कोई चंगे कर्म किते ने, चंगे काम किते ने, वो तेरे सहाई होणगे। इस करके मना गल कपड़े दी नहीं है, गल रूप दी नहीं है, अंदरों भी सोहना बनीए, क्योंकि महाराज कहिंदे जो पावे भांडे विच वस्त सार निकला है। जे अंदर चंगी सोच होगी वह जीव राही बाहर आएगी, मन राही बाहर आएगी, जे अंदर चंगा होगा, जे अंदर नितनेम होएगा, भगती होएगा, उहदियां गल्लां बाहर आणगियां। जे हर वेले अंदर निंदिया चुगली वह भी बाहर आ जाएगी, आखो सतनाम, क्योंकि चीजां छुप के रहन वालियां नहीं है। कोई बंदा जिड्डा मर्जी पाप कर ले, जे वह कहे ना भी यह छुपया रह जाएगा, एक दिन उन्हें भी एक दिन जागर हो जाएगा, एक ना एक दिन तो आएगा ना बाहर। जे बंदा किते बैठ के भगती करता है, पहाड़ा च गुफा च किसी भोरे च बैठे भी भगती कर रहा है, वह भी लुकी नहीं रहनी, एक दिन जरूर प्रगट हो जाऊ, आखो सतना, वह भी प्रगट हो जाएगी एक दिन। क्योंकि महाराज जी की बाणी दे विच भाई गुरदास जी ने खुद कहा है, प्रगट भई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वडियाई। गुरु नानक की वडियाई सारे जगत विच गुरमुख प्यारे अज भी प्रफुल्लत है, वह वडियाई की महिमा असी अज भी गा रहे हैं, क्योंकि महाराज जी के आने का इको एक कारण सी, उन्होंने इस जगत जलंधे नूं उतारना सी। आके इन्ने साल हो गए गुरु जी नूं उपदेश करदिआं, एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक बाणी भी है, जिहदे विच 15 भगतां ने उन्हां चीज़ां नूं महसूस कीता। गुरु नानक महाराज खुद रविदास महाराज कोल गए, जिन्हां ने पोथी साहिब लैके आए उत्थों, जिहदे विच भगत रविदास महाराज जी की बाणी है, आखो सतनाम, यह खुद गुरु नानक पातशाह लैके आए सी महाराज सच्चे पातशाह, क्योंकि उन्हां भगतां ने रब की उस्तत की है। भगत तेरे मन भाम दे दर सोहन कीरत गाम दे, जिन्होंने हर वेले उहदी कीर्ति नूं गाया, जिन्हें जिन्होंने उहदे कीर्तन रूप विच भगती की है, वह भावें भगत नामदेव होवे, भावें भगत कबीर जी होवे, भावें भगत बैणी जी होवे, भगत धन्ना जी होवे, भगत सदना जी होवे, भगत फरीद जी होवे, भगत कबीर जी होवे, भगत भिखण जी, जिहड़े जिन्होंने भगती की है। रविदास महाराज ने कहा, रविदास महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे, जिन्होंने रब की बंदगी की है ना, नाम देव कबीर तरलोचन सदना सैन तरै, कहिंदे उह तरगे, वह तरगे भगती करके, वह रब की बंदगी करके तरगे, जिन्होंने रब का जिन्हों समझा भी है। कल महापुरश दस रहे थे भी जिन्होंने भगत ने रब पाया, उन्होंने हथी किरत की अपनी, आखो सतना, भगत नामदेव ने भी बंदगी की है ते नाल किरत भी की है। रविदास महाराज ने जे नाम जपया तो नाल किरत भी की है, पर जे हुण असीं इह नहीं वी कल्ला नाम वाली तुर पईए किरत करिए ना, आखो सतना, ते गुरमुख प्यारे किरत जरूरी है। गुरबाणी का वचन है, कर सो किरत धर्म कमाया। गुरमुख प्यारियो महाराज सच्चे पातशाह ने खुद किरत की है ते सानू सब कुछ दस्या महाराज सच्चे पातशाह जी ने। वाह जी, बापू जी ने सारा इतिहास याद है। ते गुरमुख प्यारियो ये सानू फिर उपदेश किया उन्होंने, आप जपो अवर है नाम जपावो।
ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਪੜਿਓ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ।